नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल न्यूज। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में यहां पर विधानसभा चुनाव जो कि 17 नवंबर 2023 को यहां पर होने जा रहा है, और यहां पर बिजली कर्मचारियों ने भाजपा को वोट ना देने के लिए शपथ। तो क्यों ली है शपथ और किस कारण है, क्या कारण हो सकता है कि भाजपा को वोट नहीं देना चाहती है बिजली कर्मचारी, तो हम आपको पूरा यहाँ पर विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले हमारा छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव का वक्त नज़दीक आ रहा है, सत्तारूढ़ बीजेपी को तरह तरह के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी नीतियों और भेदभाव से परेशान कर्मचारियों ने विरोध में अलग अलग तरीके से अजमा रहे हैं, जिसका एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव में कर्मचारी बीजेपी को वोट न देने की शपथ ले रहे हैं। दरअसल एक तरफ शनिवार को शिवराज सिंह चौहान जी की जन आशीर्वाद उज्जैन से शुरू हुई है। मुख्यमंत्री आज यात्रा को लेकर उज्जैन से धार पहुंचे और जनता से आशीर्वाद मांगा। वहीं दूसरी तरफ उज्जैन में बिजली कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों ने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट न देने की कसम खाई है और भाजपा पर जमकर हमला बोला है। यहां बताते चले कि प्रदेश भर में 45,000 आउटसोर्स कर्मचारी नाराज चल रहे हैं। विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, हड़ताल जैसे अपना विरोध जता चुके हैं। इस विरोध में बिजली कंपनियों का काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर, सब स्टेशन ऑपरेटर, लाइन हेल्पर, मीटर रीडर, सुरक्षा सैनिक, भृत्य ड्राइवर कर्मचारी शामिल हैं। और क्यों किया है इस प्रकार से हम आपको पूरा बताने वाले हैं। तो पूरा इससे पे हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। परेशान है बिजली कर्मचारी। बिजली कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन प्रदेश का बिजली कर्मचारी परेशान है। उन्होंने मांगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनकी मांगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बिजली कंपनी में आउटसोर्स संविदा नियमित कर्मचारी की वेतन विसंगति समस्या सालों से बनी हुई है। वेतन विसंगति दूर करने के लिए बिजली कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, कई बार हड़ताल जैसी समस्याओं का भी सामना किया, लेकिन इसके बाद कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया, आज तक निराकरण नहीं हो सका है। वहीं बता देते हैं आपको कि बीते 3 सालों में 500 से अधिक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम दे चुके हैं, किंतु कोई पहल नहीं की गई है। तो आउटसोर्स कर्मचारियों ने हड़ताल की है, और किन कर्मचारी ने जो हड़ताल की है उनके द्वारा प्रमुख जो मांगे की गई है वह आपको पूरा बताएंगे। आउटसोर्स कर्मचारी की प्रमुख मांगे हैं कि समान कार्य में समान वेतन दिया जाए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, जो काम नियमित करता है वो आउटसोर्स भी करता है और वही काम संविदा वाले भी करते हैं, और जोखिम भत्ते को शामिल किया जाए, बीमा एवं ग्रेचुटी का लाभ दिया जाए, बिजली कंपनियों में नियमितीकरण किया जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों को आज दिन कोई ना कोई समस्याएं होती रहती है और यहाँ पर अधिकारी वर्ग के द्वारा उनको धमकी दी जाती है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को आज नहीं तो कल निकाल दिया जाएगा, लेकिन किसी भी प्रकार की समस्या का सुनवाई नहीं की जा रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? क्या बीजेपी को इन भ्रष्टाचारियों ठेकेदारियों से प्रॉफिट हो रहा है? क्या बीजेपी सरकार को इनसे प्रॉफिट है इसलिए आउटसोर्स प्रथा खत्म नहीं करना चाहती है? क्या बीजेपी सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को भला ही करना नहीं चाहती है? तो आपको हम कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं। क्या कारण हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो डिपेंड आप पर करता है कि आप ऐसी किस प्रकार की सरकार को चुनेंगे और सरकार आपके हित में है या नहीं है, वो अब आपके हाथ में है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो भी रणनीति है, रणनीति को तैयार अभी तक नहीं किया गया, जो कि चुनाव यहां पर होने लगे हैं। आज दिनांक 17 नवंबर है, चुनाव स्टार्ट हो चुका है आज का, तो हम आपको पूरा बताएंगे कि किस प्रकार से आउटसोर्स कर्मचारी को शोषण किया जा रहा है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संत।